अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एसन फारूक यार। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और कल के हमारे एनालिसिस जो थे बहुत माशाल्लाह अच्छे गए और आप उसका प्रॉफिट इन्जॉय कर रहे होंगे। माजरत चाहूँगा, एक तो कल से थोड़ा अनएक्टिव हुआ हूँ मैं, थोड़ी तबीयत मेरी ख़राब है। गर्दन में बहुत शदीद बल आया हुआ है, आप देख सकते हैं रोबोट की तरह मुझे यूं और यूं मुड़ना पड़ रहा है, मैं गर्दन यूं नहीं कर पा रहा। तो बंदा जो है थोड़ा, वो आपको पता है, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है जब अल्लाह पाक की दी हुई नेमतें हम अक्सर जो है इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, छोटी से छोटी नेमत जो अल्लाह पाक की है। तो जब फिर हम थोड़ा सा मसले में आते हैं तो फिर हम इरिटेट हो जाते हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें अगर आप बिल्कुल सेहतमंद हैं। और ये हमारे कल के जो थे एनालिसिस थे, मैंने आपको बताया था गोल्ड उस वक्त यहाँ था कि गोल्ड ने यहाँ आना है, इस लाइन को टच करना है और फिर ये बाय में जाएगा। अगर मैं जूम करूँ तो आप देख सकते हैं बिल्कुल गोल्ड मेरी बताई हुई लाइन पे आया, वहाँ से सेल में गिरा, मेरी बताई हुई लाइन पे आया, वहाँ से तकरीबन 100 पिप्स की इस वक्त बाय में चल रहा है, ठीक है। और आप ये देख सकते हैं, ये चीज़ मैं कहता हूँ कि लेवल को टेस्ट करें, ये देख रहे हैं आप, ये लेवल है। गोल्ड ने इसको ब्रेक करने की कोशिश की, ब्रेक नहीं कर सका, उसके बाद दोबारा ब्रेक करने की कोशिश की और उससे ऊपर बंद हुआ, यानी कि इस लेवल को से 2 बार इसने टेस्ट करके जो है ऊपर रिजेक्शन दे के बंद किया। तो ये एक बहुत ही प्यारी जो है ये रिजेक्शन थी और यहाँ से जो बाय थी तकरीबन 100 पिप्स के मूव पे चल रही थी। ट्रेड कॉपियर पे मैं ट्रेड नहीं कर सका, कुछ चीज़ें मैं बना रहा था, पूरा एक प्लान बना रहा था ट्रेड कॉपियर के लिए, वो इंशाल्लाह तैयार हो गया। मंडे से आप लोग देखेंगे कि प्रॉपर एक बेहतरीन तरीके से जो है ट्रेड कॉपियर पे जो है वो काम होगा हमारा इंशाल्लाह। और आज के जो है एनालिसिस देखते हैं कि आज गोल्ड क्या कहता है, कल का इंशाल्लाह आपको मज़ा आया होगा, माशाल्लाह मुझे इस चीज़ की उम्मीद है। कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। अच्छा, D1 अगर हम देखें तो ये मैंने आपको कल भी बताया था कि ये ट्रैप था जिसमें सेलर्स फंसे, और मैं पिछले 3 दिनों से अलर्ट भी कर रहा था। जिन लोगों ने वीडियो देखी होगी मुझे श्योर है कि वो सेल में नहीं फंसे होंगे और गोल्ड अब बाइंग की तरफ जा रहा है। आज NFP भी है मेरे ख्याल से, मगर मैं जो है आपको पहले भी बताया कि मैं फंडामेंटली जो है ये वीडियो नहीं बनाता, सिर्फ टेक्निकल बेसिस पे बनाता हूँ। और ये उन लोगों के लिए बना रहा हूँ मैं ये वीडियो जो अभी तक स्टॉप लॉस हंटिंग क्लब या ट्रेड कॉपियर का हिस्सा नहीं बने, क्योंकि अगर तो आप स्टॉप लॉस हंटिंग क्लब में आ गए फिर तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। सॉफ्टवेयर हमने डायरेक्टली अब जो है MT4 में दे दिया है, लोग माशाल्लाह कमा रहे हैं, बहुत बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है और माशाल्लाह लोग बहुत खुशी से जो है कमा भी रहे हैं और मेरी इस चीज़ को जो है सराहा भी रहे हैं। अच्छा, आज के एनालिसिस का जो आगाज़ करते हैं, हमारी ये एक लाइन थी जो हमारा लास्ट लेवल था, आप देख सकते हैं कि उसको गोल्ड ने टेस्ट किया और बाइंग की तरफ गामजन है, रामजन है, गामजन है, पता नहीं क्या कहते हैं। अच्छा, फिलहाल अगर हम गोल्ड को देखें तो ये एरिया जो है गोल्ड को अब ब्रेक करने है फर्दर मोर बाय में जाने के लिए, ठीक है। मे बी पॉसिबल कि इस एरिए से जो है गोल्ड थोड़ा सा रिजेक्शन दे और मे बी पॉसिबल NFP पे दोबारा 100 पॉइंट नीचे टेस्ट करके ऊपर जाए। तो हमारे पास 2 सिनेरियो, पहला सिनेरियो कि इस एरिए को ब्रेक करेगा और दोबारा इस लेवल को टेस्ट करेगा। मैं पहले लाइंस लगा देता हूँ, उसके बाद जो है इंशाल्लाह आप लोगों को मैं लेवल्स बता दूंगा। Thank you.
ओके गाइस, तो सबसे पहले गोल्ड इस वक्त है 1780 पे। बाय में मजीद जाने के लिए इसे ब्रेक करना पड़ेगा 1782 से ऊपर, H1 को बंद होना पड़ेगा। फिर आप इंतज़ार करेंगे थोड़ा सा इसके ऊपर जाने का, और फिर जब ये वापस आएगा रिट्रेस करेगा 1781 से आप बाइंग देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको ये कैंडल्स दिखाए इसी तरह की यहाँ पे कोई मूव होनी चाहिए, यहाँ से आप फर्दर फिर बाय कर सकते हैं कम से कम 300 पिप्स के लिए। और अगर लॉन्ग टर्म बैठना चाहें तो आप 500 पिप्स के लिए जो है वो बैठ सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका होगा 150 पिप्स का, टेक प्रॉफिट आपका मिनिमम 300 पिप्स या 500 पिप्स का होगा, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा है। अच्छा, दूसरा सिनेरियो क्या है कि यहाँ से गोल्ड वापसी अभी सेल की तरफ जाता है, डबल टॉप भी बन रहा है यहाँ पे और एक अच्छा लेवल भी है हमारा, तो यहाँ से अगर थोड़ी सी रिजेक्शन बनती है तो आप स्मॉल लॉट साइज से, क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड होगा फिलहाल के लिए, सेल कर सकते हैं 100 पिप्स के लिए। स्टॉप लॉस आपका 50 पिप्स होगा, और फिर 1771 से आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे फर्दर 500 पिप्स के लिए, और स्टॉप लॉस आपका 50 पिप्स होगा इसमें। ठीक है, दो सिनेरियो ये हो गए। तीसरा, अगर NFP पे गोल्ड एकदम से यहाँ पे एक बड़ी कैंडल सेल की बनाता है तो आपने फॉरन सेल में नहीं उतरना, आपने वेट करना है कम से कम गोल्ड का 1761 पे आने का, और उसके बाद 1770 तक वापस रिट्रेस करने का। यहाँ से अगर आपको सेल दिखती है तो आप सेल कर सकते हैं फर्दर तकरीबन 400 पिप्स तक के लिए, और आपका स्टॉप लॉस तकरीबन 150 पिप्स का होगा। तीन मूव्स हैं, बहुत आसानी से मैंने समझाया, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। और मैंने आपको ये भी बताया है इसमें, जैसे ये देखें, ये आप देख सकते हैं कि ये लेवल रिजेक्ट हुआ, ठीक है, इस तरह की, ये देखें ये रिजेक्ट हुआ, मीन्स के यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जूम सेशन कोशिश करूँगा आज करने की, सबसे पहले मैं हेजिंग को एक्सप्लेन करूँगा, फिर लेवल्स कैसे देखते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, इंशाल्लाह सारी चीज़ों का मेरा है कि एक एक करके मैं जूम सेशन एक दिन छोड़ के एक दिन किया करूँगा। और स्टॉप लॉस हंटिंग सॉफ्टवेयर में जो आना चाह रहे हैं, देखिए आप लोग जो लोग ज़्यादातर जो शिकायत करते हैं कि मैं रिप्लाई नहीं कर रहा, उसमें आप लोगों की भी गलती है। मैंने जब आप लोगों को सबको बोला हुआ कि यार जो चीज़ें उसको फॉलो करें, अब लोग क्या करते हैं कि वो उन मैंने कुछ क्वेश्चंस है, ज़ाहिर है मुझे आपके बारे में जानना है तभी मैं आपको गाइड कर सकता हूँ ना। अब मैं कैसे, मुझे क्या पता आपके पास $100 हैं, $10,000 हैं, ठीक है, आप $100 लेके आए, मैंने आपको 10,000 में डाल दिया, लॉस होगा खुदा ना खास्ता, फिर आप मेरे गले पड़ोगे। तो थोड़ा आपको कॉपरेट करने की ज़रूरत है, ठीक है, सलाम दुआ सारी चीज़ें चलती हैं, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है, मगर आप देखो ना कि टाइम कितना ज़ाया होता है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कैसे हैं, मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं, ये वो इधर उधर की फलां डिमकान डा 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 डा, फिर जाके फिर जब आप काम की बात करते हैं तब तक मैं जा चुका होता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट मुद्दे की बात करें, मेरे ऑटो एक दो मैसेज हैं उनका जवाब दें मैं, ताकि फौरन फर्दर तेज कर सकें प्रोसीजर, ठीक है। और क्या करते हैं लोग, पांच सवाल हैं उसमें से एक का जवाब दे दिया, फिर शिकायत कर रहे होते हैं मैं रिप्लाई नहीं कर रहा। देखो मुझे आप अगर पूरे तरीके से जवाब देंगे तो मैं भी आपको जवाब दूंगा, ठीक है। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं हो सकता ना कि मैं आपसे फिर सारी चीज़ें डिटेल पूछूं, ठीक है। डॉक्टर के पास भी जब आप जाते हैं तो उसको सारी चीज़ें बताते हैं ना कि यार ये मसला है, ठीक है। ये तो नहीं करते ना कि आप डायरेक्ट डॉक्टर के पास गए बस मेरा इलाज करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा केस स्टडी हमें भी करनी पड़ती है ताकि हम उस हिसाब से आपको गाइड कर सकें। जो लोग स्टॉप लॉस सेटिंग में जाना चाहते हैं, ट्रेड कॉपियर में आना चाहते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, और इंशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ें भी लेके आ रहा हूँ। जैसे मैंने अपना वादा पूरा किया सॉफ्टवेयर डायरेक्ट MT4 पे लेके जाने का, वो वादा पूरा किया, इंशाल्लाह आगे भी बहुत मज़े की चीज़ें लेके आऊँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पैगाम पहुँचाएं, जम के पैसे कमाइए, अल्लाह हाफिज़।